हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी SSC की जो नर्स भर्ती है, यानी कि SSC की नर्स भर्ती के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। बाकी और भी भर्ती आने वाली है SSC के अंदर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कब तक जारी होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें, साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC का जो ऑफिशियल जो कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर है 2024 का, वो आ चुका है। यानी कि 2024 का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो SSB की तरफ से क्या कर दिया है, डाल दिया गया है, ठीक है। यानी SSC की तरफ से आपको यहाँ पर जो कमीशन वो है, कैलेंडर है, वो डाल दिया गया है। और आप बात करते हैं कि जो SSC की जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से आएंगी और कब तक इसकी जो ओपनिंग होने वाली है, यानी कि 2024 के अंदर फर्स्ट में जो वैकेंसी आपको नर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी SSC के अंदर, या फिर आपको बाद में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में यहां पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आपको यहां पर मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से जो कैलेंडर है उसको डाउनलोड कर लिया है, 2023-24 का जो कैलेंडर है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपके एग्जामिनेशन का कौन कौन सी वैकेंसी के आपके एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपको फेज यहाँ पर दी गई है, डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब तक रिलीज होने वाला है, या एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज होगा, क्लोजिंग डेट कब रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से और कब तक स्टार्ट होंगे, और साथ बात करेंगे मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन का मंथ कब रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। काफी अलग अलग वैकेंसी आने वाली है, नर्स भर्ती के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेम ऑफ द इसमें देख लीजिए, सबसे पहले ग्रेड सी स्टेनियोग्राफर की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। जो 5 जनवरी का इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा, और 25 जनवरी तक क्या है इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में JSA LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आएगी, जिसके 12 जनवरी को यहाँ पर आपका 2024 को क्या होगा जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 1 फरवरी तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके चल पाएंगे। मंथली डेट रहेगी आपकी अप्रैल और मई के अंदर आपका इसका एग्जाम होने वाला है। इसी के साथ साथ SSA UDC ग्रेड की भी आपकी वैकेंसी दी गई है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12, ठीक है, फेज 12 की वैकेंसी आपको दी गई है। इसका भी एडवर्टाइजमेंट आपको 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी के अंदर आपकी जो नर्स भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि SSC फेज 2 के अंदर आपको यहाँ पर नर्स भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फरवरी के अंदर आपकी जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट है वो आएगा, ठीक है। यानी कि 1 फरवरी के लगभग आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया जाएगा SSC की तरफ से, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग भर्तियाँ होंगी, ठीक है। जूनियर इसमें देख लीजिए, जूनियर इंजीनियरिंग की होंगी, मल्टीटास्किंग टीचर स्टाफ की होगी, ठीक है, हवलदार की होगी, उसके बाद में कंबाइंड ग्रेजुएट की होगी, ठीक है। उसके बाद JDC LDC इन सभी की जो वैकेंसी यहाँ पर देखने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ आपकी जो सीधी भर्ती नर्स भर्ती है वो आपकी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फरवरी के अंदर आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किए जाएंगे, और लास्ट फरवरी यानी कि फरवरी लास्ट तक जो नर्स की सीधी भर्ती है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा, और आपका जो एग्जाम करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा मई या फिर जून के अंदर, ठीक है। मई या जून के अंदर आपकी जो नर्स भर्ती का एग्जाम है वो SSC के द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि यह डायरेक्टली वैकेंसी नहीं आएगी, एग्जाम बेस वैकेंसी आपकी रहने वाली है। बात करते हैं पोस्ट के अंदर कि SSC के अंदर जो पोस्ट है वो कितनी वाली है, आने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूँ SSC के अंदर लगभग आपकी 4100 के लगभग आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएंगी, कंप्लीट पोस्ट को मिलेंगी, जिसके अंदर जो नर्स भर्ती की पोस्ट है आपकी ये मान लीजिए 1500-2000 के आसपास आपकी नर्स भर्ती की पोस्ट देखने को मिल जाएगी 4100 में से, ठीक है। बात करते हैं सीधी नर्स भर्ती को कौन कौन क्वालिफाई कर, यानी कि कौन कौन इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएगा और क्वालिफाई कौन कौन है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, +2 ईयर का एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, MSc नर्सिंग है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि SSC की जो परमानेंट वैकेंसी होती है परमानेंट वैकेंसी में सभी कैंडिडेट इसके अंदर अलाउ होने वाले हैं। बात करें इसके अंदर सैलरी के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी मैं आपको बता दूँ इसकी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी रहेगी, 65,000 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है आपकी सैलरी की। तो सैलरी इसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही धमाकेदार भर्ती आपके लिए आ रही है 2024 के अंदर, ठीक है। जैसे ही हमें न्यूज़ मिली, सूचना मिली, तो आप तक पहुँचाना बहुत ही जरूरी था कि 2024 के अंदर आपको SSC की जो वैकेंसी है, SSC परमानेंट जो नर्स भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट के बारे में बात होगी, क्वालिफिकेशन के बारे में बात होगी, सैलरी के बारे में बात होगी, एज रिलैक्सेशन आपका किस प्रकार से रहने वाला है SSC के अंदर। तो मैं आप सभी को बता दूँ इसका जो एज रिलैक्सेशन आपका सेम पहले जैसा रहने वाला है। जैसे OBC का आपको क्या रहेगा, 3 ईयर का रहेगा, SC ST को आपका 5 ईयर का रहेगा, ठीक है, और जो PWD है उसको आपको 10 ईयर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर आगे क्या चीज़ होने वाली है।
कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, एग्जाम होगा आपका और एग्जामिनेशन मोड पे ही आपका जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा। एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपका क्या होगा, एक CVT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम करवाया जाएगा। कंप्यूटर बेस एग्जाम करवाने के बाद आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। लिस्ट आने के बाद आपका क्या होगा, DV होगा और DV होने के बाद फिर से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के बाद में जिनका नाम आएगा उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या रहने वाली है, प्रोसेस रहने वाली है कम्प्लीटली आपकी एग्जाम की। और एग्जाम आपका किसके अंदर आएगा, मई के अंदर, आप मई आसपास या मई या जून के अंदर आपका जो एग्जाम है वो करवा लिया जाएगा SSC की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है और इस बड़ी अपडेट को आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था कि 2024 के अंदर आपको यहाँ पर फिर से एक परमानेंट वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बाकी जो भी परमानेंट वैकेंसियाँ हैं उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली वन बाई वन, यहाँ पर मैं डिस्कस करता रहूँगा। ये देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कैलेंडर लेके आया हूँ आप सभी के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि कैलेंडर हो जाएगा एग्जामिनेशन 2024-25 का, ये कैलेंडर है कि 2024-25 में आपकी कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी कि SSC की आपकी भर्ती आने वाली है 2024-25 के अंदर, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी, ठीक है। तो ये अब सूचना आप तक पहुंचाना जरूरी था। बाकी अगर कोई अपडेट है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ ESIC की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया है, ठीक है। DSSP की वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया है और साथ में RRB की, ठीक है। ये तीनों वैकेंसियाँ ये मान लीजिए 2023 के अंदर लास्ट में या फिर 2024 में ये जो वैकेंसी है ये आपकी कंफर्म आएंगी। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, सभी कैंडिडेटों से मेरा यही निवेदन है कि ये वैकेंसी आपकी जरूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2023 के अंदर ये वैकेंसियाँ नहीं आई है, इनमें से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो जहाँ तक सूचना मिल रही है कि 2024 के अंदर भर्तियाँ कितनी भी हो, पोस्ट कितनी भी हो, लेकिन ESIC, DSSB और रेलवे के अंदर आपको परमानेंट नर्स भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट बहुत ही जरूरी, आप तक सभी अपडेट पहुँचाना जरूरी था। टाइम से टाइम आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा, रेगुलरली आपको यहां पर अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, अगर कोई क्लियर है, कोई डाउट है कि वैकेंसी कब तक आएगी या फिर कोई वैकेंसी उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं, आपके डाउट सभी के क्लियर किए जाएंगे। तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुँचाना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए हमारे फ्रेंड्स हैं तो चैनल को जरूर लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फरवरी के अंदर आपकी जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट, एडवर्टाइजमेंट है वो आएगा, ठीक है। यानी कि 1 फरवरी के लगभग आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया जाएगा SSC की तरफ से, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग भर्तियां होंगी, ठीक है। जूनियर इसमें देख लीजिए, जूनियर इंजीनियरिंग की होंगी, मल्टीटास्किंग टीचर स्टाफ की होगी, ठीक है, हवलदार की होगी, उसके बाद में कंबाइंड ग्रेजुएट की होगी, ठीक है, उसके बाद JDC, LDC इन सभी की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ आपकी जो सीधी भर्ती नर्स भर्ती है वो आपकी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फरवरी के अंदर आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किए जाएंगे और लास्ट फरवरी यानी कि फरवरी लास्ट तक जो नर्स की सीधी भर्ती है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा और आपका जो एग्जाम करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा मई या फिर जून के अंदर, ठीक है। मई या जून के अंदर आपकी जो नर्स